काफी इंतजार के बाद गेंशिन इंपैक्ट का डॉक्टर आ ही गया। आपको पता है कौन सा डॉक्टर? ये है वो डॉक्टर बायजू। कितने सालों से इंतजार हो रहा था बायजू का, आई थिंक 2 साल के आसपास, बट फाइनली डॉक्टर आ चुका है। एंड मैं हूँ राज रोमियो, इंडियन गेंशिन स्ट्रीमर। आज हम बात करेंगे बायजू जो 3.6 में रिलीज हो रहा है, बायजू कैसे वर्क करता है, क्या रिएक्शन हो गए, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में हम प्री रिलीज एनालिसिस करेंगे। सो चलते हैं बायजू के बारे में। तो बायजू देखा जाए तो ये एक हीलर एंड यूटिलिटी कैरेक्टर है जिसका बर्स्ट एंड A4 पैसिव इसका मेन कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए। ठीक है, अगर बात करूं तो इसका बर्स्ट कैसे काम करता है, बायजू का बर्स्ट शील्ड क्रिएट करता है 2.5 सेकंड के ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, साथ ही साथ एक न्यू शील्ड जनरेट भी करता है एवरी 2.5 सेकंड। जैसे ही शील्ड ब्रेक या फिर रिजनरेट होता है, जो भी एक्टिव कैरेक्टर है वो हील होगा, जो कि बायजू के मैक्स एचपी पे डिपेंड करता है। ठीक है, साथ ही साथ एक स्मॉल डेंड्रो होमी मिसाइल फायर करता है एनिमीज पर। देखा जाए तो शायद ये काफी अच्छा हीलिंग कैरेक्टर होगा। ऑब्वियसली जितना ज्यादा एचपी उतना ज्यादा हील, एचपी पे स्केल करने वाला एक और डेंड्रो कैरेक्टर। जहां तक मुझे लगता है शायद 4K to 5K तक के हील कर ही देगा, या फिर उससे ज्यादा भी कर सकता है, वो तो हमें जब ये रिलीज होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा। और बायजू का शील्ड 250% डेंड्रो डैमेज अब्सॉर्ब करता है, जो कि ब्लूम रिएक्शन के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ब्लूम रिएक्शन कैरेक्टर्स अगर आपको भी डैमेज करते हैं, तो इसके लिए बायजू जो है ना वो एक परफेक्ट कैरेक्टर हो सकता है अगर आप ब्लूम टीम में बायजू को यूज़ करोगे तो। और हाँ, इसका शील्ड जो है वो एक्टिव कैरेक्टर को प्रोटेक्ट तो करेगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत। मुझे नहीं लगता कि ये जोंगली जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, शायद उससे कम ही होगा, क्योंकि इसका मेन पर्पस जो है मेरे हिसाब से हीलर ही बनाए हैं इसको। हाँ, बट थोड़ा बहुत आपको प्रोटेक्ट तो ज़रूर करेगा। खैर, हमें ये बायजू आने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। इसका डेंड्रो एप्लीकेशन जो है ना वो उतना खास नहीं है, बिकॉज ये सिंगल टारगेट को ही हिट करता है। बट हाँ, दोनों एनिमीज एकदम क्लोज हो गए तो ये दोनों को हिट करेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, इसका AoE ना बहुत कम है। हाँ, अभी कैरेक्टर आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कितना क्लोज होने पर जो है दोनों कैरेक्टर्स को हिट कर पाएगा। ठीक है, इसका बर्स्ट ड्यूरेशन जो है वो 14 सेकंड के लिए होगा 20 सेकंड कूलडाउन के साथ। एनर्जी कॉस्ट जो है इसका वो है 80, जो कि काफ़ी है भाई, तो आपको एनर्जी रिचार्ज भी ढंग से रखना पड़ेगा एचपी के साथ। तो देखा जाए तो इसका टैलेंट जो है वो हील करता है, थोड़ा बहुत डैमेज भी देगा, थोड़ा बहुत देगा, एंड स्मॉल डेंड्रो अप्लाई भी करेगा, और साथ ही साथ शील्ड भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है बायजू। एक डैमेज बफर भी कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब इसका A4 पैसिव जो है वो ब्लूम, हाइपर ब्लूम, बर्निंग एंड बर्जन रिएक्शन डैमेज जो है 2% से बढ़ाता है, जो कि इसके एवरी 1000 HP मैक्स HP पे डिपेंड करेगा। बायजू के जितना HP होगा उसके हिसाब से जो है ये 2% डैमेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, रिएक्शन डैमेज मैक्सिमम 50,000 तक के, 50,000 के ऊपर अगर आप बायजू को HP दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, 50 तक के आपको मैक्सिमम आपको इसका HP रखना है। और साथ ही साथ ये बफ करेगा स्प्रेड एग्रेवेट, जो कि 0.8% बफ होता है एवरी 1000 HP पर, लेकिन ये वाला बफ सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा जो हील रिसीव करेगा बायजू के बर्स्ट से। इस इफेक्ट का ड्यूरेशन 6 सेकंड के लिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि बायजू को हमें फुल HP बिल्ड करना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर इसका A1 पैसिव की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव कैरेक्टर का HP अगर 50% से नीचे है तो ये 20% हील बोनस प्रोवाइड करता है, और अगर 50% से ऊपर है तो 25% जो है ये डैमेज बोनस प्रोवाइड करता है। इसका एलिमेंटल स्किल की अगर मैं बात करूँ तो इसका एलिमेंटल स्किल जो है ये एक बहुत अच्छा टीम हील करता है। मीन्स ये एक प्रोजेक्टाइल फायर करता है जो एनिमीज को 3 times हिट करता है, फिर ये रिटर्न आता है और हील कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका हीलिंग भी मैक्स HP पे ही स्केल करता है। सो ऑब्वियसली ये HP चाहिए, तो जो भी बंदे बोल रहे थे भाई मेरे को बस HP ही मिलता है, तो उनको खुश होना चाहिए कि आप अब इस बार जो होयो वर्स है वो HP पे डिपेंड कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा ला रहा है। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि इसका एनर्जी कॉस्ट जो है वो 80 है, सो आपको HP के साथ साथ जो है इस पे एनर्जी भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा पता नहीं शायद टफ हो सकता है, या फिर आप विपन देकर शायद हम लोग काम चला पाएंगे, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा होता है। सो देखा जाए तो ये एक सपोर्ट कैरेक्टर है जिसमें आपको भरपूर हीलिंग के साथ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेंड्रो ब्लायर मिलेगा, प्लस बफर भी है। बट डैमेज वाइज देखा जाए तो मतलब बायजू उतना खास नहीं नजर आया मुझे कि ये डैमेज भी प्रोवाइड करने वाला है। तो अगर आपको एक हीलर या फिर विथ सेकेंड डेंड्रो कैरेक्टर चाहिए तो आप बायजू पे जा सकते हो।
ठीक है गाइस, ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमें लाइव स्ट्रीम में बताई गई थी, ठीक है, होयोवर्स में बताई गई है ये सब इंफॉर्मेशन। शायद मैं कुछ भूल गया होगा या फिर शायद मैंने कुछ थोड़ा बहुत गलत बोल दिया होगा, क्योंकि मैं भाई स्क्रिप्ट नहीं लिखता है, तो आप मैनेज कर लेना और कमेंट डाउन ज़रूर करना नीचे कि इसमें आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है कि बायजू कैसा कैरेक्टर होने वाला है, और आप बायजू पुल करने वाले हो या फिर आप इसके फर्स्ट रीरन का इंतज़ार कर रहे हो कि रीरन होगा तब मैं करूँगा, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको बायजू के बारे में पता चल गया होगा कि बायजू एक कैसा कैरेक्टर है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या बफ करता है, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक की बटन दबा देना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब की भी बटन दबा देना, एंड नीचे कमेंट ज़रूर करना आपका व्यूज़ क्या है बायजू के ऊपर।